पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है, जिस तरीके से मीटर ब्रिज, वैसे ही पोटेंशियोमीटर का भी प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है। पोटेंशियोमीटर के नाम से ही आप अगर सोचेंगे तो पोटेंशियो, पोटेंशियो का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, और मीटर, मीटर मतलब नापने वाला। मीटर तो हम हर चीज़ के पीछे लगा देते हैं जो कुछ ना कुछ मीजर करता है, जैसे पोटेंशियल नापने वाली चीज़ पोटेंशियोमीटर, करंट नापने वाली चीज़ है एम्पियर का मीटर है, करंट मीजर करता है तो अमीटर लगा दिया हमने। इस तरीके से मीटर तो क्या रिप्रेजेंट करता है, नापने वाला, तो पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर मतलब नापने वाला। तो ये एक ऐसी डिवाइस होगी जो परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर नापने में काम आएगी। समझ आया आपको? अब परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए हम लोग दो डिवाइसेस यूज करते हैं मेनली। एक डिवाइस हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर, उसको भी हम परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए प्रयोग करते हैं, और एक ये डिवाइस है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है? अगर हम वोल्ट मीटर से नापते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या होता है, और अगर हम पोटेंशियोमीटर से नापेंगे तो क्या होगा? दोनों को पहले हम क्लियरली अलग अलग समझ लेते हैं और इसके बाद पोटेंशियोमीटर के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कब काम करेगा? जब हम उसको थोड़ी सी करंट देंगे। तो वोल्ट मीटर को अगर काम करवाना है, वोल्ट मीटर से अगर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आप नापना चाहते हैं तो उसके चुंबकीय प्रभाव दिखाए और वो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापे, इसके लिए हमें उसको थोड़ी सी करंट देनी पड़ती है। आप करंट अगर उसको नहीं देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, और अगर मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा तो वो चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, और परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपको नाप के नहीं दिखाएगा। तो उसे हमें थोड़ी सी करंट देनी पड़ती है ताकि वो खुद तो चले, उसका इंडिकेटर तो चले, इंडिकेटर चलेगा तो हमें बताएगा ना। और इस वजह से, क्योंकि वो करंट लेता है, तो अगर मेन सर्किट में जितनी भी करंट होती है, क्योंकि नापने के लिए थोड़ी सी करंट वो खुद ले लेता है, अगर वो खुद ले लेगा तो वो एनर्जी को वेस्ट कर देता है, करंट लेता है ना, इस वजह से एनर्जी वेस्ट कर देता है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? पोटेंशियोमीटर जब किसी भी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापेगा तो उसको नापने के लिए करंट नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी करंट नहीं लेता, वो उस वक्त दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है जब सर्किट में फ्लो होने वाली करंट जीरो रहती है, जीरो, एक भी करंट उसको नहीं चाहिए अपने काम करने के लिए, जैसा कि वोल्ट मीटर को चाहिए था। अब अगर वो एक भी करंट नहीं लेता अपने वर्क के लिए, इसलिए पोटेंशियोमीटर में जरा सी भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, जरा सी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, और पूरा का पूरा पुश, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो बिंदुओं के बीच का, ये बड़ी एक्यूरेसी के साथ मेजर करके आपको देता है। कौन? पोटेंशियोमीटर। समझ आ गया आपको? और क्योंकि जब ये मेजर करता है
उस समय ये हमारे मेन सर्किट से बिल्कुल भी करंट नहीं लेता, जीरो करंट रहती है इस पे, इसलिए हम इसको जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये करंट नहीं लेता। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, एक बार जल्दी से फिर और फिर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस प्रकार वोल्ट मीटर काम करेगा और काम करने का ढंग पोटेंशियोमीटर के क्या है। फिर से, पोटेंशियोमीटर किस काम में लाते हैं हम? परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए। ठीक है, परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए हमारे पास कितनी डिवाइसेज हैं? हमारे पास दो डिवाइसेज हैं। पहली डिवाइस कौन सी? वोल्टमीटर। और दूसरी डिवाइस कौन सी? पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, याद रखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए उसको अपने संचालन के लिए थोड़ी सी करंट चाहिए। अब करंट लेगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी वेस्ट करेगा, इसलिए उसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी ट्रू वैल्यू नहीं आ पाती कभी भी, क्योंकि एनर्जी वेस्ट कर देता है वो। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? ये भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापेगा, बट एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट विल नॉट टेक एनी करंट फ्रॉम द मेन सर्किट। ये मेन सर्किट से कोई भी करंट नहीं लेगा, और अगर ये करंट नहीं लेगा, एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, तो ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पूरा नाप के देगा। बढ़िया, तो बताइए इन दोनों में सबसे एक्यूरेट डिवाइस कौन सी है जो आपको ज्यादा अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस नाप के देगा, वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर। लेकिन उसकी तुलना में वोल्टमीटर की भी एक फायदा है, एक उसमें आसानी है कि वो सुविधाजनक बहुत होता है, और पोटेंशियोमीटर इतना सुविधाजनक नहीं होता। पोटेंशियोमीटर में अभी आप पढ़ेंगे, एक मीटर लंबा बोर्ड होता है, उसमें तार के बहुत सारे फेरे लगे रहते हैं, कम से कम 11 मीटर 12 15 मीटर लंबा तार लगा रहता है। वोल्टमीटर इतना बड़ा, बस इतना बड़ा वोल्टमीटर रहेगा, आप जेब में भर के चल दो उसको, और नापना भी बड़ा आसान उससे। उसमें जो दो टर्मिनल निकले रहेंगे, जिन दो बिंदुओं के बीच का भी विभवांतर नापना है, वहां जाके ऐसा लगा दो, इंडिकेटर बता देगा, आपका काम हो गया, आप आगे बढ़ जाओ, बस इतना आसान है। तो वोल्टमीटर कैसा है? सुविधाजनक है। और पोटेंशियोमीटर कैसा है? कम सुविधाजनक है, असुविधाजनक है थोड़ा सा, लेकिन अच्छे से कौन मेजर करके देगा? पोटेंशियोमीटर। और एक्यूरेसी किसमें कम होती है? वोल्टमीटर में। फिर से एक बार दो बातें करेंगे, एक्यूरेसी और कन्वीनियंस। वोल्टमीटर ज्यादा एक्यूरेट होता है या ज्यादा कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक कौन है? वोल्टमीटर सुविधाजनक है लेकिन एक्यूरेट कम है। और पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट ज्यादा है पर थोड़ा सा सुविधाजनक है। ये दोनों में एक फायदा है और एक नुकसान है। अब वन बाय वन हम इसको देखेंगे कि इन दोनों का ढंग क्या है। ठीक है, आप देखिए जरा, सबसे पहले मैं वोल्टमीटर की बात करूंगा, और पहले वोल्टमीटर को समझ लेते हैं किस पर किस तरह से वर्क करेगा वो। आई एम सॉरी, वोल्टमीटर, मैंने आपको बताया कि वोल्टमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। यह वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ठीक है, अब वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, तो देखिए जब हम इसकी मदद से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो क्या होता है, आप ध्यान दीजिए।
ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस है और मान लिया कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज 100 ओम, ठीक है। अब और इसमें ना हमने जो करंट फ्लो करवाई है दैट इज 5 एम्पियर करंट, ऐसे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब आप मुझे बता सकते हैं इफ दिस रेसिस्टेंस इज हैज द वैल्यू 100 ओम एंड करंट विच इज फ्लोइंग विद दिस रेसिस्टेंस इज 5 एम्पियर, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दो बिंदुओं के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर, रेसिस्टेंस है कैलकुलेट करेंगे, कॉपी तो कर नहीं सकते, कैलकुलेट करने के लिए करंट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस करेंगे, I को R से गुणा करवा देंगे, तो 5 एम्पियर को 100 ओम से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 500 वोल्ट। दिस इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ओके okay? अच्छा, अब क्योंकि ये हमको दिखेगा तो है नहीं, तो हम इसको क्या करने के लिए आएंगे, नापना चाहते हैं, नापने के लिए हम कौन से डिवाइस लगाएंगे, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर लाएंगे और उसके दोनों टर्मिनल्स से निकले हुए कंडक्टर्स इसके दोनों बिंदुओं पर लगा देंगे। आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो प्रतिरोध होता है परिपथ, उसके दो बिंदुओं के बीच श्रेणी में नहीं बल्कि समांतर क्रम में लगाया जाता है, पहले भी बता चुके हैं, आगे वाले लेशन में पढ़ेंगे भी आप। तो ऐसा ला करके ये जो वोल्ट मीटर होगा ना, इसको हम ऐसा ला करके यहां फिट कर देंगे, क्योंकि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का भी विभवांतर हमें नापना है, तो इन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम लगा देंगे, दिस इज वोल्ट मीटर। आप जैसे ही लगाओगे, क्योंकि यहां पर क्या बन गई है, जंक्शन बन गई, आप देखिए एट दिस पॉइंट थ्री वायर्स आर मीटिंग टुगेदर, एक दूसरे से तीन कंडक्टर्स मिल रहे हैं, सो दिस इज अ जंक्शन। जब करंट 5 एम्पियर यहां से ऐसा जाएगी, जब जंक्शन पर पहुंचेगी तो क्योंकि ये भी कंडक्टर है तो थोड़ी सी करंट इस रास्ते पर भी जाएगी, अगर इस रास्ते पर करंट नहीं जाएगी तो वोल्ट मीटर नहीं चलेगा हमारा, क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर किस पर आधारित है, चुंबकीय प्रभाव पर, और वो चुंबकीय प्रभाव कहां से मिलेगा उसको, तो जब तक उसको करंट नहीं मिलेगी वो उसको मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं शो करेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा वर्क नहीं कर सकता, वो काम नहीं करेगा फिर वो, तो इसको कुछ ना कुछ करंट तो चाहिए ही। जंक्शन पर करंट यहां से हमने 5 एम्पियर भेजा, जंक्शन पर पहुंची, मान लेते हैं कि इसके खुद के चलने के लिए कितनी करंट ले लिया हमसे, इसने 1 एम्पियर करंट इसने हमसे ले लिया, क्योंकि इसको खुद को चलाना है, करंट तो लेगा लेगा, 1 एम्पियर करंट यहां चली गई, टोटल कितनी करंट यहां से आई थी, 5 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट इस रास्ते पर चली गई, तो हमारा जो ये मेन सर्किट है, मेन पाथ है, उसमें कितनी करंट बची, 4 एम्पियर, टोटल 5 थी। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 5 अगर आ रही है, एक तरफ एक चली गई तो दूसरी तरफ कितना जाना पड़ेगा, 4, तो इस तरफ कितनी करंट इस बार चली जाएगी, 4 एम्पियर, तो यहां से जो करंट इस बार जाएगी दैट विल बी 4 एम्पियर। अब आप मुझे बताइए रेसिस्टेंस कितना है, 100 ओम, यहां से इस रेसिस्टेंस में करंट कितनी जा रही है, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर या 1 एम्पियर, 4 एम्पियर जा रही है, तो अब इन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अपेरेंट, अपेरेंट मतलब आभासी, जो अब हमें दिखेगा, ये वोल्ट मीटर हमें दिखाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अपेरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से क्या करना है, आई इंटू आर, हाउ मच करेंट इज फ्लोइंग विद दिस रेसिस्टेंस, 4 एम्पियर, रेसिस्टेंस 100 ओम, सो आई इंटू आर, 4 इंटू 100,
कितना हो जाएगा 400 वोल्ट। अब आप देखिए एक्चुअली जिन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करने गए उन दो बिंदुओं के बीच का वाकई में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 500 वोल्ट, और वोल्ट मीटर ने हमको कितना बताया 400 वोल्ट। तो क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें दिखता तो है नहीं, ऐसा वायर लगी है तो क्या आपको इन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है? दिखता तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम वोल्ट मीटर पर भरोसा कर लेते हैं। हम आए, हमने इसको दो बिंदुओं पर लगाया, इसने हमको दिखाया 400 वोल्ट, ठीक है। सो आई हैव ट्रस्टेड ऑन इट, हम इस पर भरोसा कर लेते हैं, हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। इसने हमको कितना दिखा दिया 400 वोल्ट दिखा दिया। अब यहां से हम हटा दिया इसको हमने, लेकिन जब 400 कब है, जब आपने इसको लगाया है, उसके पहले कितना था 500, और अगर आप इसको हटा लेंगे यहां से फिर वो कितना हो जाएगा, फिर 500 हो जाएगा। तो जब आपने लगाया वोल्ट मीटर ने आपको 400 वोल्ट दिखा दिया, इसके बाद आपने वोल्ट मीटर पर भरोसा कर लिया, वोल्ट मीटर हटा के रख है, और हम हमेशा के लिए क्या सोचने लगे कि इन दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 400 वोल्ट, जबकि एक्चुअली क्या वो 400 वोल्ट है? नहीं है, वो तो कितना है। तो एक्यूरेसी बिगड़ गई। अब हम काम किस आधार पर करेंगे, 400 वोल्ट के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली वो कितना है, एक्चुअली वो तो 500 वोल्ट है, तो हमारे आगे की जितनी रीडिंग होंगी वो सब बिगड़ जाएंगे। नहीं समझ में आया, ये वोल्ट मीटर की प्रॉब्लम है। तो क्या हम वोल्ट मीटर की इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्या हम इसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? आंसर है आप प्रॉब्लम कम कर सकते हैं, बिल्कुल से प्रॉब्लम जीरो हो जाए आप ये नहीं कर सकते। तो कम कैसे कर सकते हैं, कम हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए कम कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को, फिर से समझिए। ये जो अभी हमने बताया सी समझ में आ गई कि वोल्ट मीटर लगाया, उसने कितना बताया हमको 400 वोल्ट, वोल्ट मीटर हटा के रखा है, अब इन दो बिंदुओं के बीच का कितना है 500, जबकि हम हमेशा के लिए क्या सोच रहे हैं कि 400 होगा, पर वो है कितना 500, एक्यूरेसी नहीं है उस पे। और क्या हम इसकी इस प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं? आंसर इज नो, वी कांट फिनिश दिस प्रॉब्लम। हम केवल और केवल इसकी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। तो ठीक है, कैसे कम करेंगे, देखिए उसका तरीका देखिए। वही रेसिस्टेंस हमने ले लिया जो कि 100 ओम का है, वही पूरा का पूरा वही चीज ही है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। हमने जो वोल्ट मीटर लगाया यहां पर, वोल्ट मीटर में हमने क्या किया, वोल्ट मीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा दिया हमने। कौन से क्रम में लगा दिया, श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस, ऐसा यहां पर। तो ये क्या है, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध लगा दिया, बहुत हाई रेसिस्टेंस। अगर श्रेणी क्रम में आपने उच्च प्रतिरोध लगाया है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने से परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है, घट जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, बढ़ जाता है। सीरीज में रेसिस्टेंस को कंबाइंड करने से परिपथ का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो इधर वाली लाइन का, इस वाली लाइन का प्रतिरोध क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। एक चीज और, इसको ना, इसको हमने एक नाम दिया है, इसका हम नाम रखते हैं शंट। इसका हम क्या नाम रखते हैं, शंट इसका नाम रखा जाता है। तो वोल्ट मीटर के साथ एक शंट यूज करते हैं, उस शंट की क्वालिटी बताइए क्या होगी, उसका प्रतिरोध बहुत ऊंचा होगा, और उसको पैरेलल में नहीं लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, ठीक है।
ये शंट होता है। ऐसा करने से क्योंकि इस रास्ते का क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध, और प्रतिरोध बढ़ने से करंट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। I is equal to V upon R, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगी। तो 5 एम्पियर जा रही थी, हमने इतना हाई रेसिस्टेंस यहां लगा दिया कि इस रास्ते पर जो पहले कितनी करंट जा रही थी, 1 एम्पियर, अब इस रास्ते पर जाने वाली करंट केवल रह गई है 0.1 एम्पियर। बस इस रास्ते का रेसिस्टेंस हमने इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, करंट आप ऑफ नहीं कर सकते इसकी, करंट इसकी ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, करंट नहीं मिलेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, इसका सुई जीरो पर ही बना रहेगा, काम ही करना बंद कर देगा। तो करंट तो देना पड़ेगा, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते करंट को। अब 0.1 एम्पियर करंट इधर चली गई, अब बताइए आपके मेन सर्किट में कितनी करंट जा रही है, टोटल कितनी करंट है, 5 एम्पियर। 0.1 एम्पियर करंट गोज थ्रू दिस सर्किट थ्रू वोल्ट मीटर, तो इस सर्किट से कितनी करंट जाएगी मेन सर्किट पे, 4.9 एम्पियर। 5 में से 0.1 माइनस करिए, 4.9 बचा, 4.9 एम्पियर करंट इस पे जाएगी। अब बताइए इस बार जो अपेरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आभासी विभवांतर, वो कितना होगा, फिर से I इंटू आर करेंगे, 4.9 इंटू 100 करिए, तो 4.9 इंटू 100 करेंगे, इट विल बी 490 वोल्ट। अब आप बताइए परिपथ के इन दो बिंदुओं के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 500 वोल्ट। वोल्ट मीटर लगाया तो इसने हमको कितना दिखाया, 490 वोल्ट, एंड 490 वोल्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू 500 वोल्ट, बहुत 500 वोल्ट के बहुत नजदीक है। समझ में आया, तो देखो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अभी भी 10 वोल्ट कैसा दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, पहले तो सीधे 100 वोल्ट कम दिखा रहा था, अब क्या कर दिया इसने, अब एक्चुअल वैल्यू से 10 वोल्ट कम दिखा रहा है, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, कम हो गई प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या करना पड़ा, तो हमें वोल्ट मीटर के साथ में एक शंट लगाना पड़ा, और उस शंट की क्या खासियत होगी, सीरीज में उच्च प्रतिरोध लगाया जाएगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, और ऐसा करके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और एक चीज, वोल्ट मीटर जब भी रीडिंग देगा, ये रीडिंग को हमेशा कम दिया करेगा, ज्यादा देगा कि सेम रीडिंग देगा, हमेशा कम रीडिंग दिया करेगा, ये पॉइंट भी याद रखिए। वोल्ट मीटर से कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर 500 वोल्ट है तो एक दिन उसने 510 वोल्ट दिखा दिया, नेवर, हो ही नहीं सकता, हमेशा कैसी रीडिंग दिखाएगा, कम रीडिंग दिखाएगा। तो आई होप कि वोल्ट मीटर की क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, ये सारे कुछ आपको समझ में आ गया। अब पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है, इसके वर्क करने का तरीका कुछ ऐसा है, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तरीका है जैसे कि हमने आमने सामने दो पहलवानों को लड़ा दिया आपस में, जो दो पहलवानों को हमने लड़ाया उसमें एक पहलवान की ताकत हमको मालूम है, समझ रहे हैं, एक पहलवान की ताकत हमको मालूम है कि इसके पास पावर है 10, इसकी पावर हमें पता है। दूसरा पहलवान हमने इसके साथ लड़ा दिया, आप थोड़ा सा सोचिए कि अब जब ये दोनों फाइट करेंगे आपस में अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पे जब ये फाइट करेंगे, अगर ये वाला पहलवान जीत गया, इसकी पावर हमें पता है कितनी है, 10, इसकी हमको नहीं पता, मालूम करनी है, तो हमने दोनों को फाइट करवा दिया, हमने सामने फाइट करवा दिया, अगर ये वाला पहलवान जीत जाएगा मतलब क्या निकला, इसकी पावर 10 से ज्यादा है, वेरी गुड, और अगर ये जीत गया तो इसकी पावर 10 से कम है, लेकिन अगर दोनों की फाइट बराबरी की हुई,
तो हमें पता भी लग जाएगा कि इस पहलवान की ताकत कितनी है, 10, पता लग जाएगा। यही ढंग करीब करीब, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए, अब एक और एग्जांपल देखिए, उससे आपको वोल्टमीटर की वर्किंग समझ में आएगी। तो आमने सामने हमें लड़ाना है दोनों को, ध्यान से देखिए। उसके लिए करते ये है कि एक बैटरी हम यहां पर लगा देते हैं, ये हाई पोटेंशियल बैटरी होती है और इसको हम सोर्स भी कह सकते हैं या प्राइमरी सेल भी कह सकते हैं, आप प्राइमरी बैटरी आप बोल सकते हैं, प्राथमिक बैटरी, ये सोर्स बैटरी रहेगी, हाई पोटेंशियल बैटरी रहेगी, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। और इसका पोटेंशियल में दो गुण हैं, पहला चीज इसका विभव हम बदल भी सकते हैं, हम चाहें थोड़ा कम कर दें, हम चाहें थोड़ा ज्यादा कर दें। दूसरी चीज हमें इसका पोटेंशियल मालूम भी है, तो इसके विभव में कौन से दो गुण हैं, नंबर एक इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कम भी कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, बदल सकते हैं, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते हैं तो भी हमें पता रहता है कि अब इतना हो गया है, अगर हमने घटा दिया तो भी हमें पता रहता है कि अब इतना हो गया, मतलब हम बढ़ाएं या घटाएं हर क्षण हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम रहता है, यह इसमें खास बात है। अब एक दूसरी सेल, इसके ये दो पॉइंट हमने बना दिए यहां पर, ये दो पॉइंट हमने इसके बना दिए, ठीक। अब हम एक दूसरी सेल लाते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको नापना है, जिसका विद्युत वाहक बल हमें मीजर करना है, एक और सेल हम लेके आते हैं, ये वो बैटरी या सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको नापना है, इसे आप बोल सकते हैं नोन बैटरी, नोन मतलब ज्ञात, इसके बारे में मैंने बताया ना, हमें मालूम है सारी बातें, तो ये नोन बैटरी भी है, और इसके बारे में क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, हमें मालूम करना है, इसलिए इसका नाम क्या है, अननोन बैटरी इसका नाम है, अननोन सेल, ठीक है, आप सेल लिख लीजिए क्योंकि ज्यादातर वर्ड सेल यूज होगा, अननोन सेल। और इसका विद्युत वाहक बल या इसका टर्मिनल विभवांतर हमें नापना है। अभी आपने एक एग्जांपल देखा जो पहलवान वाला, एक का हम जानते हैं दूसरे का हम जानते नहीं, लेकिन दोनों को हमको कैसा करना पड़ेगा, आमने सामने लड़ाना पड़ेगा। आमने सामने लड़ाने का मतलब क्या है, आमने सामने लड़ाने का मतलब यह है कि दोनों को आमने सामने भिड़ा दीजिए, मतलब इसका प्लस इसके प्लस से जोड़ दीजिए और इसका माइनस इसके माइनस से कनेक्ट कर दीजिए, और यहां बीच में रास्ते में एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, और गैल्वेनोमीटर में एक इंडिकेटर लगा होगा, ये गैल्वेनोमीटर है, इस पर एक इंडिकेटर लगा होगा इस तरह से, तो ये हमारे लिए नोन बैटरी है और ये हमारे लिए अननोन सेल है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, और जितना भी करें हम सब इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हमें मालूम करना है, तो हमने दोनों को आमने सामने लड़ा दिया। अब क्या होगा, ये जो बैटरी होगी, इस बैटरी का प्लस इधर की तरफ है और माइनस इधर की तरफ है, ये बैटरी क्या करना चाहती है, पूरे सर्किट में करंट को ऐसे फ्लो करवाना चाहती है, करंट बैटरी के बाहर प्लस से माइनस बहती है, तो ये वाली जो सेल है आपकी, ये करंट को इधर से ऐसे ऐसे फ्लो करवाना चाहती है, तो ये वाली बैटरी की वजह से करंट कैसे फ्लो करवाना चाहती है ये सर्किट में, क्लॉकवाइज। देखो आप, ये नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है ना आपको, कि प्लस से फ्लो होगी और ऐसे चलेगी, तो ये वाली जो सेल लगी हुई है ये पूरे सर्किट में करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लो करवाना चाहती है, और ये वाली सेल जो लगी है इसका प्लस इधर माइनस इधर है, ये किधर फ्लो करवाना चाहती है, ये
ऐसा क्लॉकवाइज फ्लो करवाना चाहते, ये वाली क्लॉक हमने बोला था क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे बहाना करंट को फ्लो करवाना चाहती है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कैसा फ्लो करवाना चाहती है? क्लॉकवाइज। समझ आया? अब अगर ये इंडिकेटर इधर आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इंडिकेटर इधर चला जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसकी वाली करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज वाली। ध्यान रहेगा आपको, इधर आ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज वाली करंट इसकी वाली, इधर चला जाएगा तो क्लॉकवाइज वाली करंट इस सेल की करंट फ्लो हो रही है। तो अब आप मुझे बताइए, जब दोनों के प्लस एक साथ, दोनों के माइनस एक साथ जोड़ दिए हैं तो सर्किट में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी? आंसर बहुत सिंपल है, करंट उस डायरेक्शन पे फ्लो होगी जिस सेल की पावर ज्यादा होगी। अगर इसका वोल्टेज ज्यादा होगा तो और इसका कम होगा तो क्या होगा? करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी और उस वक्त गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर लेफ्ट में आ जाएगा इसे। अगर इसकी पावर ज्यादा होगी, इसका ईएमएफ ज्यादा होगा, इसका ईएमएफ कम होगा, तो करंट किस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगी? क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू होगी और गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर राइट साइड में आ जाएगा। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर जीरो पर ही बना रहे, अगर गैल्वेनोमीटर ने हमको दिखाया जीरो करंट, तो हम क्या समझेंगे बताइए? उस समय दोनों की ताकत आपस में कैसी हो गई है? बराबर। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया है। और क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम है, और अभी आपने बोला कि अगर गैल्वेनोमीटर ने जीरो करंट दिखा दिया तो दोनों की ताकत कैसी हो गई? बराबर। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो गया? बराबर। इसलिए उस वक्त जितना पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ईएमएफ इसका होगा, उतना ही ईएमएफ इस सेल का हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कनेक्शन कैसी करनी पड़ेगी? आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि पहली वाली बैटरी के प्लस से इसका प्लस ही जोड़ना है आपको, और पहली वाली सेल के माइनस से इसका माइनस कनेक्ट करना है, और इसके बीच में यहां पर क्या लगा देना है? एक हमको गैल्वेनोमीटर, ताकि उसी को तो देख के हम जानेंगे कि करंट जीरो है कि करंट आ रही है। और इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो अपने काम करने के लिए करंट नहीं लेते, काम कर रहा है देखो लेकिन करंट नहीं ले रहा है, तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार के जो उपकरण होते हैं इन्हें जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। तो ये वर्किंग प्रोसेस है किसका? पोटेंशियोमीटर का। ये पोटेंशियोमीटर का है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमने आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ा दिया, अभी हमने सिर्फ आपको उसका प्लान बनाया बताया है कि पोटेंशियोमीटर में हम ये करेंगे। समझ आ रहा है? तो अब आप दोनों को देखकर बताइए, इसमें दो बातों के बारे में क्लियर करिए मुझे, सुविधाजनक कौन है और एक्यूरेट कौन है। पोटेंशियोमीटर में कौन सी क्वालिटी होती है? एक्यूरेसी ज्यादा है कि कन्वीनियंट ज्यादा है? एक्यूरेसी ज्यादा है, कन्वीनियंट कम है। और वोल्टमीटर? कन्वीनियंट ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है। तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है? मोर एक्यूरेट बट लेस कन्वीनियंट। ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करेगा, सुविधाजनक कम होगी, इस पे सुविधा कम रहेगी। और जो ये वोल्टमीटर होगा ये क्या होगा? लेस एक्यूरेसी बट मोर कन्वीनियंट। तो इसका कभी कभी ना
एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। देखो अब भले ही वोल्टमीटर सुविधाजनक कम है, लेकिन क्योंकि हमको रीडिंग कैसी देता है, ज़्यादा अच्छी रीडिंग देता है, इसलिए हम इसको यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि विभव मापी वोल्टमीटर की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है या ज़्यादा अच्छा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके जवाब में आप क्या लिखोगे, क्योंकि वोल्टमीटर वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, इसलिए जब हम इसे परिपथ में लगाते हैं तो ये मुख्य परिपथ में से थोड़ी सी धारा अपने संचालन के लिए ले लेता है। इससे मुख्य परिपथ में जाने वाली धारा का मान घट जाता है और नपने वाला जो विभवांतर है उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। दूसरी तरफ परंतु विभव मापी को जब परिपथ में लगाया जाता है तो यह परिपथ से एक भी करंट नहीं लेता, शून्य करंट पर काम करता है, इसलिए इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती और ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस हमको नाप के दिखाता है। बस इतना सा लिख देना है, आप एक काम कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका जवाब हम लिख के आपको दिखा देते हैं, उससे आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज जल्दी से नोट कर लें इसे। जो क्वेश्चन हमने बोला था आपको कि वोल्टमीटर की तुलना में विभव मापी सर्वश्रेष्ठ है क्यों, इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, वोल्टमीटर एक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, जब इसे परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगाया जाता है तो यह स्वयं के संचालित होने के लिए कुछ वैद्युत धारा ले लेता है, जिससे मुख्य परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा कुछ कम हो जाती है, अभी आपने देखा, और उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सदैव कुछ कम आता है, बढ़ेगा नहीं, वैल्यू कम आती है हमेशा। परंतु विभव मापी जब किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच लगाया जाता है तो या उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापने के लिए जरा सी भी वैद्युत धारा नहीं लेता, बिना करंट के लिए हुए मीजर कर लेता है ये, जिससे ऊर्जा ह्रास नहीं होता, अगर करंट नहीं लेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और विभव मापी उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बड़ी ही यथार्थता से नाप लेता है, यथार्थता मतलब एक्यूरेसी से नाप लेता है, ठीक है। तो ये रीजन है कि वोल्टमीटर की तुलना में जो विभव मापी होता है वो ज्यादा अच्छा क्यों माना जाता है, ठीक है। तो ये आप रीजन नोट करें और उसके बाद अब हम आते हैं पोटेंशियोमीटर पर और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ओके, विभव मापी के इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के काम आता है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट आता है कि ये कौन से सिद्धांत पर काम करेगा, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका सिद्धांत क्या है। मैं आपको बताऊं, ये दो सिद्धांतों पर मेनली वर्क करता है, एक तो विभव प्रवणता का सिद्धांत और दूसरा
इस बात पर काम करेगा कि अगर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य है, विभवांतर शून्य है, तो उस लाइन में करंट का फ्लो नहीं हो सकता। अगर कुछ ना कुछ विभव का अंतर है तो करंट फ्लो होगी, और अगर विभव जीरो है तो करंट का फ्लो नहीं हो सकता। ये दो प्रिंसिपल लगेंगे इसके वर्क में, तो नोट कर लेते हैं। विभव मापी निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। नंबर वन, विभव प्रवणता, जिसे अंग्रेजी में बोला जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। का सिद्धांत। और नंबर दो, यदि परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप पहले से भी जानते हो। तो जो विभव मापी होता है निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर वर्क करेगा, एक विभव प्रवणता, और दूसरा कि अगर परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जीरो है तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हम केवल एक ही सिद्धांत लिखना चाहते हैं तो बस इसको नोट करिए, बस विभव प्रवणता का सिद्धांत, अदरवाइज ये दोनों प्रिंसिपल इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख लिया। और हाँ, ये वाला पॉइंट देखो, विभव प्रवणता, अब आप सोचेंगे विभव प्रवणता क्या होती है, तो मैं बात करूंगा विभव प्रवणता के बारे में बाद में, अभी आप इसको देख लें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पर वर्क करेगा। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जीरो है। विभवांतर जीरो होने का क्या मतलब है, दोनों के विभव आपस में कैसे बराबर, जब बराबर होंगे तभी तो अंतर जीरो होगा। डिफरेंस जीरो की बात में कर रहा हूं ना, और डिफरेंस जीरो कब होगा, जब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो अगर दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच करंट का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ना उस वक्त, इस वजह से वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। सो दीज आर द टू प्रिंसिपल ऑन विच पोटेंशियोमीटर वर्क्स। ये वो दो सिद्धांत है जिन पर पोटेंशियोमीटर काम करता है। रही बात पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब डिस्क्रिप्शन और डायग्राम इसका देखेंगे। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम कैसा बना होता है ये, उसको ध्यान से आप देखिए। इसमें लगभग एक मीटर का एक लकड़ी का बोर्ड रहता है, जैसा मीटर ब्रिज में था ऐसा ही इसमें एक मीटर लकड़ी का एक बोर्ड रहेगा।
ठीक है, ये करीब करीब 1 मीटर लंबा लकड़ी का बोर्ड होता है। वुडेन बोर्ड, इस लकड़ी के बोर्ड में एक काफी लंबी वायर लगी रहती है। किस ढंग से लगी रहती है देखो, आप ये सोच सकते, जैसे मैंने बोला कि लकड़ी का बोर्ड कितना लंबा होता है 1 मीटर, और फिर बोला बहुत लंबी वायर लगी रहती है, तो 1 मीटर के बोर्ड में बहुत लंबी वायर कैसे लगा सकते हैं आप? 1 ही मीटर का तार तो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लगा सकते हैं। आपने हीटर देखा है घरों में, इतना जरा सा बना होता है, लेकिन उसमें जो वायर लगी होती है बहुत लंबी वायर लगाते हैं, उसको ऐसा सर्पिलाकार बना के लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे वायर लगाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम जो वायर लगाते हैं वो इस तरह की होगी, यहां पर ऐसे कंडक्टर्स बने रहते हैं इस तरह से, इस तरह से कंडक्टर बने रहते हैं ऐसे। मैं लगाना स्टार्ट करता हूं, उससे ज्यादा ठीक रहेगा। देखो यहां तार का एक सिरा रहेगा और ये वायर ऐसे चली जाएगी सीधी बिल्कुल, यहां पर ऐसा आप समझ लें कि गोल गोल कंडक्टर्स की दो पत्तियां रहती हैं, और दो पत्तियों के बीच में ऐसा खूंटी में दो पत्तियां ऐसे फिट हैं, उनके बीच में से ऐसा तार हम गुजार देते हैं, फोल्ड करके ले आते हैं यहां से यूं इस तरह से, तो तार एक ही होगी। आपको जितनी बार देखेंगे ऐसा नहीं कि 10 टुकड़े होंगे 20 टुकड़े होंगे, ऐसा नहीं है, तार पूरी एक ही है। ऐसा ले जाएंगे यहां पर कसेंगे, ऐसा ले जाएंगे यहां से घुमा के ऐसा ले आएंगे फिर हम इसको, तो ये वायर यहां पर ऐसी आ जाएगी, जब यहां पर आएगी तो यहां से ऐसा घुमा लेंगे इसको, फिर यहां ले जाएंगे, यहां ले जा करके फिर हम ऐसा ये लगा देंगे, इसके पीछे से फिर ऐसा निकाल के लाएंगे, ये ऐसे ले गए, यहां पर फिर से हमने इसको ऐसे लगा दिया, इस तरह से एक तार की काफी ज्यादा लंबाई हम इस पे लगा सकते हैं। ये कर दिया, यहां पर फिर से ऐसा बनाया, और लास्ट में जाकर यहां पर तार का दूसरा सिरा फिट कर दिया। तो आप देखिए, जब आप दूर से देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 वायर लग रही हैं, लेकिन एक्चुअली क्या ये 7 वायर्स हैं? नहीं, ये तो पूरी एक तार है केवल, बस ये कंडक्टर्स लगाए जाते हैं, चालक मेटल कंडक्टर लगे हैं और उन्हीं के तार से ऐसा घुमा के ले आते हैं, जैसा सिलाई मशीन में आपने देखा है पीछे में धागा ऐसा गुजारते हैं एक जगह से, वहां पर ऐसा दो पत्तियां लगी होती हैं, बीच में से धागा गुजार देते हैं, बस ऐसा ये होता है यहां पर, ये पोटेंशियोमीटर होता है। और इसमें जो ये वायर लगी हुई है, ये वायर जो लगी हुई है ये काहे की बनी होगी? तो आंसर, ये रेसिस्टेंस वायर होती है, जिसे आप प्रतिरोध तार कहते हैं, लकड़ी का बोर्ड है और ये जो वायर लगी है ये कौन सी है? प्रतिरोध तार, रेसिस्टेंस वायर। रेसिस्टेंस वायर किसकी बनाते हैं? मिश्र धातुओं की बनाते हैं, तो ये किसी एलॉय की बनी हो सकती है। ठीक है, तो ये वायर लगा दिया, ये क्या चीजें लगी हुई है? ये जो आप देख रहे हैं ये वाली चीजें, ये मेटल कंडक्टर, ये मेटल के कंडक्टर की आप समझ लो पत्तियां लगी हुई हैं, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। कंडक्टिंग स्ट्रिप्स, चालक पत्तियां लगी हुई हैं ये। ठीक है, तो लकड़ी का बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड में ये पत्तियां कसी रहती हैं और उसी में ये तार भी कसा रहता है। आपको नहीं लगाना है,
जब आप पोटेंशियोमीटर लैब से निकाल के लाओगे, ये सब उसमें लगा मिलेगा आपको, इतना सारा कुछ उसमें लगा होगा। एक नट बोल्ट यहाँ लगेगा, एक नट बोल्ट यहाँ लगेगा, इन्हीं पर आप अपने बाहरी जो परिपथ होगा आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कनेक्शन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। कनेक्शन करने के लिए याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले वोल्ट मीटर का हमने एक छोटा सा नक्शा बताया था आपको, जिसने बोला कि एक सेल इधर से लगाएंगे और एक इधर से लगाएंगे, और उनको कनेक्ट करने का तरीका हमारा क्या होगा। एक होगा जिसको हम जानते होंगे, नोन सेल एक होगी, और एक होगी अननोन सेल। तो देखिए कनेक्शन कैसे दिया जाएगा। यहां पर जो पोटेंशियोमीटर का ये वायर लगा हुआ है, ये वायर का एक सिरे पर यहां से हम ऐसा एक वायर जोड़ के लाएंगे। उस वायर में यहां पर हम एक हाई पोटेंशियल बैटरी लगा देंगे। कोई भी डीसी का सोर्स जिससे डीसी करंट निकलती है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल। ठीक है, इसी का नाम हमने क्या रखा था, सोर्स और हाई पोटेंशियल बैटरी, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसके नाम है। इसके बाद इसकी करंट वायर में एकदम से ज्यादा और कम या ज्यादा मत हो जाए, उस करंट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो करंट कंट्रोल करने के लिए डीसी करंट कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। क्या आपको याद है डीसी करंट को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, रियोस्टेट, याद आया आपको। तो रियोस्टेट यहां पर एक लगाएंगे, ये हमने रियोस्टेट लगा दिया, इसका नाम, इसे हम आर्यत से लिखा रहता है और इसका पूरा नाम रहता है रियोस्टेट, जिसे आप हिंदी में धारा नियंत्रक बोल सकते हो, बस ये नाम हो जाएगा। तो इसकी मदद से क्या करेंगे, इसकी मदद से सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करके रखेंगे। हम चाहेंगे करंट ज्यादा बहने देंगे, हम चाहेंगे करंट कम फ्लो करेंगे, हम जितना चाहेंगे उतना करंट फ्लो करेंगे। रियोस्टेट सर्किट में करंट को कम ज्यादा करता है कैसे, सुनिए, ये इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। क्या करते हैं इसमें, इसमें जो पॉइंटर लगा होता है ऊपर एक, उसको हम लेफ्ट और राइट में खिसकाते रहते हैं। जब हम एक तरफ खिसकाते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होता है रियोस्टेट का, वो कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो करंट का क्या होगा, बढ़ जाएगी। जब हम इसको खिसका के दूसरी तरफ कर देते हैं तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम। तो डायरेक्ट हम करंट को कम करने नहीं जाते कि करंट को पकड़ के कम कर दे, नहीं हो सकता। उसके लिए हम करंट को कम करने का तरीका क्या यूज करते हैं, प्रतिरोध बढ़ा दो करंट कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम कर दो करंट ज्यादा हो जाएगी। तो कम ज्यादा किसको करना है, करंट को, लेकिन हम कम ज्यादा करते किसको हैं, प्रतिरोध को। बात समझ में आई। जैसे क्लास 11th में आप रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी वस्तुओं को वो क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। आप याद रखें, अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके भीतर आप कोई चीज रखो और वो उससे कुछ लिए बिना उसको ठंडा कर दे सीधे, हो ही नहीं सकता। तो रेफ्रिजरेटर के ठंडा करने का प्रिंसिपल क्या है, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि इसकी हॉटनेस निकाल दो बाहर, इसकी जो हीट है इसके अंदर, इसकी जो गर्मी है वो बाहर कर दो। तो अगर किसी वस्तु की हीट बाहर कर दोगे आप, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। रेफ्रिजरेटर का यही प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आप कभी भी रेफ्रिजरेटर के पीछे जाके देखिए, उसमें जो जाली लगी रहती है वो आपको गर्म मिलेगी। तो क्यों गर्म मिलेगी, क्यों, क्योंकि अंदर रखे ऑब्जेक्ट्स का क्या कर रही है, हीट बाहर कर रही है। ठंडा करना डायरेक्ट उसको नहीं आता, उसको हीट निकालना आता है, और हीट निकाल देगी जिस चीज की, वो चीज अपने आप क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये उसका प्रिंसिपल है। सिमिलरली रियोस्टेट का प्रिंसिपल यही है कि प्रतिरोध बढ़ा दो करंट अपने आप कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम कर दो करंट अपने आप बढ़ जाएगी, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। सर्किट में इसको थोड़ा सा सीधा बना दें, ऐसा लग रहा है टेढ़ा हो रहा है ये,
वेरिएबल रेसिस्टेंस, सर्किट में करंट अचानक से कम ज्यादा मत हो जाए, या सॉरी कम ज्यादा के लिए तो रियोस्टेट लगाया हमने, हम जब चाहें तो हम करंट को स्विच ऑन कर सकें और स्विच ऑफ कर सकें। इसके लिए एक स्विच लगा दिया हमने, एक की लगा दी हमने वहां पर, और आगे ये लेके आए और यहां तार के दूसरे सिरे पर हमने जोड़ दिया। देखा आपने एक तरफ का सर्किट, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सेल से कनेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा कौन सा सर्किट है? इधर वाला सर्किट प्राइमरी सर्किट। अब इस प्राइमरी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी, देखिए ध्यान से। करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी, ऐसे आएगी, यहां से करंट ऐसे आएगी, ऐसे यहां तार में आएगी, इस वायर में करंट यहां जाएगी, ऐसे ऐसे होते हुए यहां पर आएगी, फिर यहां वायर्स के द्वारा स्विच से होते हुए रियोस्टेट से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर जाएगी। तो ये हमारा कौन सा सर्किट हो गया? उधर ऊपर वाला जो सर्किट है, प्राइमरी सर्किट हमने बना दिया इसका। ठीक, अब ये तो हमारी है नॉन सेल। क्यों? इसको हम जानते हैं। अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल आपको नापना है वो भी तो चाहिए आपको, तो उसको कहां लगाना है? याद करिए आप जरा कि जिस सेल का ईएमएफ आपको ज्ञात करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको नापना है, वो आप कैसे जोड़ते थे? तो आंसर है नॉन सेल के साथ अपोजिट डायरेक्शन पे जोड़ते थे, नॉन सेल का पॉजिटिव और अननोन सेल का पॉजिटिव दोनों एक ही जगह पर जुड़ेंगे और दोनों के नेगेटिव भी एक ही जगह पर जुड़ेंगे। तो एक अननोन सेल है हमारे पास, ये देखिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका विद्युत वाहक बल हम नापना चाहते हैं। आप बताइए इसको इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, इस बैटरी के प्लस को इसके प्लस के साथ, तो इसका प्लस कहां से कनेक्ट है? यहां से, तो इसका भी प्लस यहीं से कनेक्ट कर दो आप, ऐसे। देखो दोनों के प्लस एक ही जगह पर कनेक्ट हो गए कि नहीं कनेक्ट हो गए? हो गए। अब इसके माइनस जो होगा, इसका नेगेटिव साइड में यहां पर हमें की लगा देंगे और ये की थोड़ा इसका डिजाइन अलग टाइप का रहेगा, इसमें तीन कीज लगी रहेंगी, ठीक है, या दो लगी रहेंगी, एक यहां पर लगी होगी और एक यहां पर लगी होगी। यहां से तो हम आगे क्या वायर ले जाएंगे, ठीक है, ये दूसरी इसलिए ताकि अगर हम कोई दूसरे सेल यहां लगाना चाहें वो भी लगा सकें, लगाएंगे आगे चल करके। अब इसके आगे क्या करना है बताइए? इसमें मुझे याद कीजिए वही सर्किट जो हमने बनाया था, बड़ा सिंपल सा, इसमें आगे जाकर के मुझे गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा, याद आ रहा है आपको? तो इसमें आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, गैल्वेनोमीटर में फिर एक तार निकालिए और ये वाली वायर थोड़ी लंबी सी लगाइएगा, ढूंढ करके जो लंबी वायर हो उसको यहां पर फिट कर दीजिए, और इस लंबी वायर का जो अगला सिरा होगा उसमें फिर से वही चीज लगेगी, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, या जिसको हमने बोला था जॉकी, याद आया आपको? तो वो जॉकी, ये तार लगेगा, तार के सबसे अगले सिरे पर जॉकी, और वो जॉकी को क्या करवा सकते हैं? पूरे वायर में कहीं पर भी, इसीलिए तो इसको लंबा लगाएंगे। अगर इसको छोटा लगा के, इतना जरा सा लगा के जॉकी फिट कर दी आगे आपने, फिर अब इस तार को उठा के यहां टच करवाओ जाके, गैल्वेनोमीटर उठा चला जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए ये वायर लंबी लगाएंगे आप थोड़ी, ताकि गैल्वेनो, ये जब तार हम यहां से यहां लाएं, यहां ले जाएं, किसी भी जगह ले जाएं, गैल्वेनोमीटर अपनी जगह पर रखा रहे, और उस लंबी तार के आगे हम एक जॉकी लगा देंगे और वो जॉकी हमारे लिए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा, इस पूरी तार पर उसे कहीं पर भी हम टच करा के अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हमने इस पे लगा दी वो वायर और वायर के आगे साइड में जॉकी, और कहीं पर भी टच करवाएंगे। मैंने यहां दिखा दिया है
क्यों? क्योंकि तो कहीं टच करवाओगे कि नहीं करवाओगे आप, ये मैंने यहां दिखा दिया। इस तरह से ये हमारी, देखो ये हमारी नॉन सेल है और ये कौन सी सेल है, ये अननोन सेल है। इस सेल का विद्युत वाहक बल हम नापना चाहते हैं और इसको बोलेंगे टू वे की। ये गैल्वेनोमीटर है, आगे जॉकी लगा है, आप सब जानते हैं। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से ये कनेक्शन पूरा हम तैयार करेंगे पोटेंशियोमीटर के लिए। अभी नहीं समझ आया आपको, आ गया कि कौन सी वायर या कौन सी उपकरण कहां पर लगानी है आपको, ये चीज। एक काम और कर लीजिए, ये स्विच तो लगा हुआ है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है हमको स्विच के लिए, मैं सोच रहा था, तो ये स्विच लगा दिया हमने टू वे की। टू वे की मतलब दो मार्गों वाली कुंजी, दो रास्ते इसमें होंगे, एक से लमूर चाहे तो और अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा, और इसमें ना 11 मीटर 12 मीटर 15 मीटर लंबा तार लगा रहता है। इतना लंबा तार क्यों यूज करते हैं और इसका ये वर्क कैसे करेगा, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास पर पढ़ेंगे। लेकिन इसमें बहुत लंबा तार लगाते हैं और तार को लंबा लगाने का तरीका आप देख रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा ये भी आपको बताया जाएगा जब हम आपको बताएंगे। इसके बारे में और भी आगे बातें पढ़ेंगे। फिलहाल कौन कौन सी चीज बाकी रह गई है अगली क्लास के लिए? एक तो हम इसका क्या देख चुके हैं डायग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना बाकी है, डिस्क्रिप्शन लिखना बाकी है। और देखो क्या बाकी रह गया है, विभव प्रवणता, अभी इसके बारे में स्टडी नहीं किया हमने, तो डिस्क्रिप्शन लिखना है, विभव प्रवणता पढ़नी बाकी है और वर्किंग करना बाकी है इसका। इसे हम लोग करेंगे अगली क्लास पे। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, बाकी और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।